दिल्ली में अलग अलग जगह पर अलग अलग किसान संगठन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज तक संवाददाता उन सभी बॉर्डर्स पर पहुंचे जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। नोएडा से जो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, अब से थोड़ी देर पहले इन किसानों ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रैक्टर को रास्ते में लगा करके किसानों ने इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। 24 घंटे में दूसरी बार किसानों की तरफ से इस रास्ते को बंद किया गया है। पुलिस प्रशासन और किसानों के जो नेता हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है कि इस रास्ते को किस तरीके से खोला जाए। यहाँ पर आप देखिए, सड़क पर ही धरने पर बैठे हुए हैं जो किसान हैं, और ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। आप लोगों ने 24 घंटे में दूसरी बार इस रास्ते को फिर बंद कर, देखिए हम लोग अब बंद किए हैं, अब ये बंद रहेगा इस वजह से कि हम लोगों ने कल 11 बजे, आज सुबह 11 बजे का एक प्लान किया था, रणनीति की थी। दिल्ली की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसको मैं दिखाना चाहूंगा। आप पूरा ये रास्ता सामने की तरफ देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स के भी और जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं, और अभी इसको बंद किया गया है। जो यहाँ पर किसानों के नेता हैं उनसे बातचीत पुलिस प्रशासन का चल रहा है। ये कह रहे हैं कि कुछ देर बाद ये मामला सुलट जाएगा, उसके बाद इस रास्ते को खोला जाएगा। आज विजय दिवस है, यानी सन 71 की लड़ाई का 50वां सालगिरह, और यहाँ किसानों का जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर कई सारे वेटरन जो कि सेना से है, अलग अलग विंग से है, वो यहाँ पर समर्थन करने आए हैं किसानों के इस आंदोलन का। इसमें आप है, आपका नाम देसा सिंह। देसा सिंह जी, आप ने मेडल भी रक्षा मेडल 1965 आपके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी, आपने युद्ध में भाग लिया। युद्ध में भाग लिया जी। और आज इस युद्ध में आज भी काश्तकारों के साथ खड़े हैं। किसान है, और कहा भी जाता है जय जवान और जय किसान, और इसीलिए जवानों का साथ मिला है किसानों को, और ये लड़ाई और आगे बढ़ाने की तैयारी है किसानों की तरफ से भी और इन जवानों की स्फूर्ति से भी। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।